दिनों में देखे मानसिक तनाव कैसे धीरे धीरे कम होता है और आप बहुत ही अच्छी गहरी प्यारी नींद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे चुनिंदा योगासनों का अभ्यास जो आपकी गहरी प्रॉपर गुड स्लीप को प्रमोट करेंगी। हमें पता नहीं होता और हम अपनी नींद को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिसकी वजह से कई सारी जो बीमारियां हैं हमारे शरीर में धीरे धीरे घर कर जाती है। सबसे पहले परेशानी तो ये होती है कि जिस दिन आपको रात में प्रॉपर नींद ना आए, दूसरे दिन मन बड़ा चिड़चिड़ा होता है, कुछ भी कामकाज करने में मन नहीं लगता, पेट बड़ा भारी भारी सा लगता है, खाना अच्छी तरीके से पचता नहीं है, गैस बनती है, फूला फूला रहता है पूरे दिन पेट। और ये समस्याएं अगर ज़्यादा लंबी दिनों तक रहे तो ये जो मन का चिड़चिड़ापन है ना कहीं आपके मन की जो कार्यक्षमता है, ब्रेन की जो कार्यक्षमता है, उसको प्रॉपर नहीं रहने देना। जितने भी हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से और शरीर के अलग अलग हिस्सों से कंट्रोल होते हैं, तो हार्मोन्स के सिक्रीशन में गड़बड़ी हो जाती है। जब हार्मोन्स के सिक्रीशन में गड़बड़ी होती है तो शरीर के जो बाकी के अंग हैं उनके काम काज में जो है अवरुद्ध पैदा होता है, वो अच्छी तरीके से काम नहीं करते। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का बिगड़ जाना, किडनी का फंक्शन अच्छी तरीके से ना होना, लिवर का फंक्शन अच्छी तरीके से ना होना, साथ ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी इसका बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। आपके हार्ट का फंक्शन, लंग्स का फंक्शन भी इससे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अब इसके अलावा ये तो हो गई हार्मोन्स की गड़बड़ी और बाकी के सारे सिस्टम्स की बात, साथ ही आपका नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र वो भी ठीक ढंग से काम नहीं करता। तंत्रिका तंत्र आपके दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, वो हमें मदद करता है कोई भी एक्शन, कोई भी काम करने में। साथ ही जो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी को मदद करता है, हमें मदद करता है कि किस तरीके से हम रेस्ट करें, रिलैक्स करें। आप खुद सोचिए, किसी मशीन को आप हमेशा चलते रहते हुए छोड़ दें तो क्या होगा, वो मशीन भी कुछ दिन में काम करना बंद कर दी जाएगी। जब मशीनों को रेस्ट की ज़रूरत है तो हम तो फिर भी इंसान हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो में एक एक बताई हुई जानकारी को अच्छी तरीके से समझिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। और मेरा प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, तो आइए अभ्यास करते हैं उन सभी योगासनों का जो हमें डीप स्लीप लाने में मदद करेंगे। और इसके साथ ही अगर आपकी नींद में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, मन शांत नहीं होता, शरीर के अलग अलग हिस्सों में बड़ा ही तनाव रहता है, उनमें भी ये योगासन बहुत मदद करेंगे। सबसे पहला आसन हम कर रहे हैं बालासन। दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लें और उसके बाद फिर एक एक पैर को धीरे धीरे ऐसे बेंड करें, घुटने से बेंड करने के बाद आप अपनी एड़ी पर बैठे हुए हैं वज्रासन में। अब एड़ी पर बैठे हैं और एड़ियों को बाहर की तरफ रखा है। अब दोनों घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है और दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखा हुआ है। सांस लिया, सामने देखें, रीढ़ की हड्डी जो है सीधी रखें, ऐसे झुका के ना रखें। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 हेड डाउन, आपका माथा जो है, फोरहेड जो है आपके मैट की तरफ ऐसे, और नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए कम से कम 30 सेकेंड या एक मिनट तक इस पोस्चर को रोक के रखना है। जब आप इस पोस्चर को इस तरीके से रोक के रखते हैं तो क्या होता है, हेड डाउन करके रखे हैं और सांस लेते हुए उठ जाएं। आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे अपने सर को झुकाते हैं, तो इससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हमारे हेड रीजन की तरफ जाता है, जिससे एक बहुत कामिंग, रिलैक्सिंग इफेक्ट महसूस होता है। तो ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में, आपके मन को शांत करने में बहुत मदद करता है। बहुत सिंपल सा दिखता है ये आसन और इसके इफ़ेक्ट जो हैं बहुत अच्छे हैं। साथ ही जब आप सामने की तरफ झुकते हैं तो पेट पर दबाव पड़ता है आपकी थाइस से, तो इससे आपके सारे आंतरिक अंग में जो टेंशन है वो भी रिलीज होगी और इनका फंक्शन इम्प्रूव होगा। फिर से देखिए, सांस लीजिए, थोड़ा सा लीन बैक, सांस छोड़ते हुए इस तरीके से सामने की तरफ झुक जाएं, घुटने जुड़े हुए हैं और ऐसे हेड डाउन कर दें इस तरीके से।
और इस तरीके से ब्रीदिंग करते रहें 30 सेकेंड या 60 सेकेंड, अपने हेड को डाउन करके रखें और फिर उसके बाद सांस लेते हुए वापस से अपनी योगा मैट पर बैठ जाएं। अब देखिए, बहुत से लोगों के लिए बड़ा ही ऐसा चैलेंजिंग हो गया कि ऐसे वज्रासन में बैठ पाएं। वज्रासन में बैठना बड़ा ही मुश्किल होगा, तो आप क्या करें कि आप ऐसे क्रॉस लेग पोजीशन पे भी बैठ के इस अभ्यास को कर सकते हैं। कैसे? ऐसे क्रॉस लेग पोजीशन पे दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठ गए, पालती मार के बैठ गए, इजी पोज कहते हैं इसको इंग्लिश में, और धीरे से दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखा, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए ऐसे हेड डाउन कर दें। इसको भी 30 सेकेंड या 60 सेकेंड ऐसे रोक के रखें और सांसें लेते और छोड़ते रहें ऐसे। फिर उसके बाद सांस लें। हर एक आसन को आपको 3 times करना है, हर एक पॉस्चर को आपको 30 सेकेंड to 60 सेकेंड होल्ड करके रखना है, ब्रीदिंग नॉर्मल लेते रहना, क्योंकि इन सारे पॉस्चर्स को हम ज़्यादा देर तक होल्ड कर रहे हैं ताकि इन पॉस्चर्स का जो इफ़ेक्ट है वो अच्छी तरीके से हमारी बॉडी में और हमारे मन मस्तिष्क को शांत करने में हो। अब देखिए, बहुत से लोगों के लिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि वो ऐसे इस तरीके से अभ्यास कर सकें, तो दोनों पैरों को ऐसे खोल लीजिए और सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए ऐसे सामने झुक जाइए। तो तीनों में से जो भी अभ्यास करना चाहे, हाँ, जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं लेकिन जिनका पेट बड़ा है ना, पेट बड़ा है, छाती बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इस तरीके से वज्रासन में बैठें, दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर कर लें। घुटनों से दूर करने के बाद सांस लें, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाएं और सांस छोड़ते हुए ऐसे सामने की तरफ झुकें। पेट जो है दोनों थाइस के बीच में आ गया और दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रख के ऐसे हेड डाउन कर लें ऐसे, या दोनों हाथों को ऐसे बॉडी के ऊपर ऐसे खींच लें और ऐसे हेड डाउन कर लें, तो इससे हिप जॉइंट्स भी बहुत अच्छी तरीके से ओपन होंगी और पेट जो बड़ा हुआ है, टमी जो बढ़ी हुई है, वो भी अच्छी तरीके से दोनों थाइस के बीच में आ जाएगी और हेड डाउन कर लें ऐसे। तो मिनिमम 30 सेकेंड तो इन सारे पॉस्चर्स को रोक के रखें, मैक्सिमम अगर आप 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक भी इन पॉस्चर्स को रोक लेते हैं और सांसों को लेते छोड़ते रहिएगा तभी ये काम कीजिएगा। और इन सारे आसनों का अभ्यास करने के बाद फिर आराम से थोड़ा बैठकर रेस्ट करें। अपने दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें और अपनी गर्दन को एकदम ढीला छोड़ दें इस तरीके से। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो हर दिन जब आप सुबह 7 बजे मेरे साथ अभ्यास करते हैं तो आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आप डेवलप करते हैं, जो डिसिप्लिन आप थ्रू आउट द लाइफ फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो शारीरिक, मानसिक हर तरीके के तनाव से आप दूर रहते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। साथ ही अगर आपको एग्जिस्टिंग कोई हेल्थ कंडीशन से हैं तो उसे उभरने में भी योग अभ्यास आपको मदद कर सकता है। आपको अपनी जो एग्जिस्टिंग मेडिकेशन है उसके साथ साथ योग अभ्यास भी ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपको डबल बेनिफिट हो, आप जल्दी से उन हेल्थ कंडीशन से उभर सके। आप जब इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको हर एक योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, क्लिंजिंग टेक्निक और भी बहुत सी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती हैं आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से। चूंकि ये ऑनलाइन योगा क्लासेस जूम के माध्यम से कंडक्ट होती हैं, तो इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के माध्यम से मैं देश और दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ। उनको उनकी हेल्थ कंडीशन, जैसे PCOD, PCOS की समस्या, थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी की समस्या, जॉइंट्स में पेन रहता है, बहुत स्ट्रेस रहते हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन की समस्या है, तो इनसे उभरने में बहुत मदद मिलती है और बहुत से स्टूडेंट्स को लाभ भी मिला है। अब अगर आप इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को सुबह 7 बजे या जूम की मदद से नहीं ज्वाइन कर सकते हैं ड्यू टू योर बिजी शेड्यूल या किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं आप, तो आप मेरे द्वारा डेवलप किया हुआ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स योगा फॉर बिगनर्स का कोर्स है, ये कोर्स जो है प्राणायाम और मेडिटेशन का कोर्स है और भी बहुत से अपकमिंग कोर्सेज जो हैं डेवलप हो रहे हैं। इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर लेते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में हैं, किसी भी वक्त आप ज्वाइन कर लेते हैं, एक बार आपको पेमेंट करने के बाद पूरे साल का एक्सेस मिल जाता है और इन कोर्स को आप जब पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको कोर्स के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलता है। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिएगा। साथ ही
अगर आप वेबसाइट नहीं विजिट करना चाहते हैं तो नीचे जो ये व्हाट्सएप नंबर है इसमें बस एक छोटा सा व्हाट्सएप कर दें और आपको क्लास के बारे में सारी की सारी डिटेल मेरी टीम के द्वारा भेज दी जाएगी। अब हम जो अगले आसन का अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास, ताकि सभी लोग आसानी से कर लें। इसका उष्ट्रासन का अभ्यास जब आप करेंगे, अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे, तो आराम से ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं। घबराइए नहीं, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते उनके लिए भी मैं मॉडिफिकेशन बताऊंगी, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज अ योगा टीचर और चूँकि आप फैमिली से जुड़े हुए हैं, मैं हर एक आसन को बहुत आसान करने में विश्वास रखती हूँ, क्योंकि शरीर आपका है और आसन भी अभ्यास आप कर रहे हैं, तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार हर एक आसन को करें। अब अपने घुटने पर खड़े होंगे, दोनों घुटनों को पहले दूर कर लें अपने कमर के जितने लेवल पर। अब धीरे से ऐसे जब अपने घुटने पर खड़े हो गए हैं तो दोनों पैरों को भी एक दूसरे से दूर कर लिया है और दोनों हाथों को अपनी कमर के ऊपर रख लिया। कमर के ऊपर रखने के बाद सामने देखें और अपने शोल्डर्स को ऐसे रोल बैक करें कि जिससे चेस्ट जो है पूरी की पूरी छाती आपकी अच्छी तरीके से खुल गई है, और हिप को ऐसे आगे की तरफ पुश करें और गर्दन को ऐसे ढीला छोड़ दें। इस पोस्चर को भी कम से कम मिनिमम 10 सेकेंड या 30 सेकेंड ऐसे रोक के रखें और फिर उसके बाद आराम से अपने एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। और जो पिछला अभ्यास बताया था बालासन का, घुटनों को एक दूसरे से दूर किया है और अपने पेट को अपने दोनों थाइस के बीच में लाते हुए ऐसे हेड डाउन कर लें। तो इस आसन का अभ्यास भी आपको 3 बार करना है। पोस्चर को 10 सेकेंड या 30 सेकेंड रोक के रखना है। अब बहुत से लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो घुटने के बल ऐसे खड़े हो जाएं, क्योंकि घुटने में बड़ा ही दर्द होता है, तो आराम से ऐसे क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ जाएं। क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठने के बाद दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें। पीछे रखने के बाद वैसे ही सारे स्टेप्स, शोल्डर्स को ऐसे रोल बैक किया, चेस्ट को ओपन किया और ऐसे अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें, चेस्ट को ओपन करके रखें और पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड पर बढ़िया स्ट्रेच महसूस करें। सांस लेते और छोड़ते रहें और फिर उसके बाद पोस्चर को रिलीज कर दें। जब आप उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि शरीर को अपोजिट दिशा में आप स्ट्रेच कर रहे हैं। पूरा दिन कैसे बैठे रहते हैं, ऐसे अपोजिट स्ट्रेच करते हैं, तो गर्दन की टेंशन, कंधों की टेंशन, पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी की एक एक जो वर्टिब्रा है उनकी टेंशन रिलीज हुई, पेट पर भी बड़ा अच्छा खिंचाव आया, जिससे पेट आंतरिक अंग जो है उनका फंक्शन इम्प्रूव होगा। हिप को आगे की तरफ पुश करते हैं जिससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फंक्शन इम्प्रूव होगा। तो ये सारे जितने भी मसल्स और जॉइंट्स में तनाव है वो सब छूमंतर, अच्छी नींद तो आएगी ही आएगी। अब चले, हर एक अभ्यास के बाद आपको रेस्ट ज़रूर करना है। भाग भाग के अभ्यास मत कीजिएगा। बहुत से लोग सोचते हैं ज़्यादा ज़्यादा अभ्यास करें, भाग भाग के अभ्यास करें, ये ख़त्म हुआ वो करें, ऐसा नहीं, रेस्ट कीजिए। अब हम अगले आसन का अभ्यास कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी पे जो टेंशन है उनको दूर करने में, साथ ही आपको चेस्ट बहुत अच्छी तरीके से ओपन करेगा, जिससे कि आपकी ब्रीदिंग रिलेटेड परेशानी, अगर ब्रीदिंग आपकी इनकंसिस्टेंट रहती है तो वो कंसिस्टेंट होगी, साथ ही पूरी की पूरी चेस्ट रीजन जो है बहुत अच्छी तरीके से ओपन होगा। अब किस तरीके से करेंगे मत्स्य आसन का अभ्यास। आराम से अपनी एल्बो की मदद से ऐसे लेट गए अपनी योगा मैट पर, और मैं बहुत ही इजीएस्ट तरीका आपको बता रही हूँ मत्स्य आसन करने का, कि आराम से दोनों पैर की एड़ियों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ दें, दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रखें इस तरीके से। अब धीरे से अपनी एल्बो की मदद से आप आराम से अपनी मैट पर इस तरीके से, अपनी मैट पर ही लेटे हुए एल्बो की मदद से ऐसे उठ जाएं, चेस्ट को ओपन करें, शोल्डर्स को रोल बैक करें और अपने क्राउन एरिया को इस तरीके से, क्राउन एरिया को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर दें, चेस्ट को अच्छी तरीके से ओपन करके रखें ऐसे, और ब्रीद करते रहें, चेस्ट का एक्सपेंशन महसूस करें, गर्दन और पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी, और साथ ही जो आपकी एब्डोमिनल मसल्स है ना, इन पर भी बहुत अच्छा हल्का दबाव महसूस करें इस तरीके से, और फिर उसके बाद पोस्चर को रिलीज करके आराम से अपनी योगा मैट पर लेट जाएं। अब देखिए, बहुत से लोगों की एल्बो की स्ट्रेंथ थोड़ी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो आप पिलो की मदद से भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो पिलो ले लीजिए, पिलो कम से कम एक या दो ले लीजिए। अगर आपकी पिलो मोटी है तो आप एक पिलो ले लीजिए, अगर पतली दुबली है पिलो
तो आपकी दो पिलो का इस्तेमाल करें। तो अभी मेरे पास जो ये पिलो है यहाँ पे ऐसे रख लिया है, ऐसे इस तरीके से। अब इस पिलो को रखने के बाद आप इस पिलो की जगह अगर आपके घर पे बॉलस्टर है, वो गोल वाली तकिया, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे पालती मार के बैठें तो दोनों पिलो को साइड में रखें, जिससे क्या होगा कि कमर जो है तकिए के ऊपर नहीं आएगी। फिर आराम से ऐसे लेटते हुए अपने दोनों कंधों को ऐसे ढीला छोड़ दें और दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें। चाहे तो ऐसे क्रॉस लेग पोजीशन बना के रखें या दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर दें, और आपकी गर्दन जो है वो पिलो के ऊपर है। और आराम से कम 5 मिनट, क्योंकि जब एल्बो का सपोर्ट था तो कम से कम 30 सेकेंड या 1 मिनट तक रोकना काफ़ी था, और जब तकिए के ऊपर लेटे हैं तो कम से कम 5 से 10 मिनट आप आराम से ऐसे लेटकर रेस्ट करें और ब्रीदिंग नॉर्मल रखें ऐसे। तो इस अभ्यास से आप देखेंगे कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड पर जो टेंशन थी वो भाग रही है, गर्दन पर जो टेंशन थी वो भाग रही है, चेस्ट बहुत अच्छी तरीके से ओपन हो गया है, और नॉर्मल ब्रीदिंग करके और ऐसे ही लेटे रहें। तो ये तो हो गया मत्स्यासन का अभ्यास। उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण अभ्यास है ये, जिनको कि ब्रीदिंग रिलेटेड परेशानियां रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो इन सारे पॉस्चर से आपका स्ट्रेस भी बहुत कम होगा। तो अगला जो अभ्यास मैं बता रही हूँ आपको, उसका नाम है विपरीत करणी। विपरीत करणी को बिना पिलो के सपोर्ट से और फिर पिलो के सपोर्ट से मैं आपको बताऊंगी। तो आराम से अपनी योगा मैट पर ऐसे लेट जाएं, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी टी शर्ट को जो है तो टक कर लें ऐसे। टक करने के बाद दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री उठाएं। 90 डिग्री उठाने के बाद धीरे से अपनी हिप को मैट से ऊपर उठाएं ऐसे, और कमर को अपने दोनों बाजुओं से, अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लें ऐसे। दोनों हाथों को बहुत ऊपर, पैर को ऊपर ना उठाएं, बल्कि ऐसे हल्का सा 45 डिग्री इस तरीके से आपकी कमर जो है नीचे ही रहे ऐसे, और अपने अंगूठे को माथे के एकदम सामने ऐसे रखें। कम से कम 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड इस पॉस्चर को होल्ड करें, और फिर उसके बाद हिप को ऐसे ड्रॉप कर दें। विपरीत करणी रामबाण अभ्यास है मानसिक तनाव को कम करने में। इसमें ब्लड सर्कुलेशन ग्रेविटी के अपोजिट यानी गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट होता है, आपके पैरों से सर की तरफ मानसिक तनाव इसका कम होता है। तो जब भी आप पूरे दिन की थकान को मिटाना चाहते हैं तो विपरीत करनी आपको ज़रूर करना चाहिए। अब बहुत से लोगों के लिए ऐसे अपनी बॉडी को अपने हाथ के सहारे उठाना बड़ा मुश्किल होता है, जिनकी हिप थोड़ी बड़ी होती है, हेल्दी होते हैं, तो उनके लिए बड़ी ही मुश्किल होगी। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों पिलो को ऐसे, दो पिलो या एक पिलो डिपेंड करता है आपकी पिलो की क्वालिटी कैसी है, बहुत हार्ड है या बहुत सॉफ्ट है इस तरीके से। तो अभी दो पिलो ये रखी है, लेकिन ये बहुत ऊंची हो जाएगी तो मैंने सिर्फ एक पिलो ऐसे रखना है जिससे कमर हल्का सा स्लाइटली ऊपर की तरफ हो और अपर बॉडी नीचे की तरफ हो। आराम से अपनी पिलो के ऊपर बैठ गए हैं ऐसे, और फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे अपने दीवार पर लगा लिया ऐसे, और दोनों हाथों को एकदम ढीला छोड़ के मैट पर या बेड पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, ऐसे लेट जाएं। हल्का सा आपकी एब्डोमिनल मसल्स जो है अंदर की तरफ खींची हुई है, और एकदम रिलैक्स होके आराम से ऐसे लेटे हुए हैं। अब बॉडी का कोई भी पार्ट आपको सपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है, अपने अंगूठे की तरफ देखें और आराम से ऐसे लेटे हुए अब देखिए ब्लड सर्कुलेशन कितना बढ़िया आपके पैरों से आपके हेड डिजन की तरफ आसानी से हो रहा है। जिनको बहुत कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या कि फिर इसके अलावा पाइल्स की समस्या है, वेरिकोज वेन की समस्या है, उनके लिए बड़ा ही रामबाण आसन का अभ्यास है। ब्रीद करते रहें और कम से कम 5 मिनट 10 मिनट इसी तरीके से आप विपरीत करनी का अभ्यास करें। कुछ ही दिनों में देखें मानसिक तनाव कैसे धीरे धीरे कम होता है, और आप बहुत ही अच्छी गहरी प्यारी नींद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब हमने विपरीत करनी का अभ्यास कर लिया है, अब हमारे पास दो पिलो ऑलरेडी हैं,
तो आराम से हम लेटकर एक और आसन का अभ्यास कर रहे हैं जिसका कि नाम है सुप्त बद्ध कोण आसन। पहले तो हमने स्पाइनल कॉर्ड, नेक और बाकी जगह की टेंशन दूर कर ली, अब ज़रा अपनी हिप जॉइंट्स की भी टेंशन को दूर करते हैं और आराम से अपनी एल्बो की मदद से अपनी योगा मैट पर लेट गए। तो ये हो गया सुप्त यानी लेटा हुआ, बद्ध कोण आसन यानी कि जैसे आप बैठ के बटरफ्लाई पोज करते हैं उसी तरीके से आप दोनों पिलो को आपने ऐसे रखा कि दोनों पैर आराम से आपके पिलो पर रेस्ट कर रहे हैं। इस पोस्चर को भी कम से कम 5 से 10 मिनट कर लें। आपके आराम से पिलो को ऐसे रख लिया, 5 से 10 मिनट ऐसे रेस्ट करके लेटे रहें आराम से और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। तो ये तो हो गया सुप्त बद्ध कोण आसन का अभ्यास। 5 से 10 मिनट जब आप होल्ड कर लें तो अब अगला आसन आप कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन। दोनों घुटनों को एक दूसरे से के साथ जोड़ा और दोनों थाई को अपने पेट की तरफ ऐसे धीरे धीरे लेके आए और दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे फंसाते हुए, जिनकी बॉडी इस तरीके से है कि फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो ऐसे पकड़ पाना मुश्किल है, तो नीचे पकड़ लें ऐसे, या कि फिर इसी तरीके से पकड़ के आराम से लेटे रहें कम से कम 1 मिनट तक, जिससे थाई का दबाव पेट पर पड़े तो सारे आंतरिक अंगों पर हल्की मसाज मिले और अगर पेट पर अत्यधिक गैस बनी हुई है वो गैस भी आप रिलीज कर पाएं। पर आराम से ऐसे लेटे रहें, ब्रीद करते रहें, हर एक पॉस्चर में आप ब्रीद करते रहें, सांसों को ना रोकें ताकि आप ज़्यादा देर तक पॉस्चर्स को होल्ड कर पाएं। अब जब पवन मुक्तासन का अभ्यास कर लिया है तो आराम से अपने दोनों पैरों को सीधा करें और कम से कम 5 से 10 मिनट आराम से आप अपनी योगा मैट पर लेटें शवासन में और फिर अपना काम आगे रेज्यूम करें। तो देखा आपने मैंने कितनी आसानी से इन सारे योगासनों का अभ्यास आपको बताया। आशा करती हूँ एक एक योगासन आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अपनी नींद पर काम करिए क्योंकि ये आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आपके सजेस्टेड टॉपिक पर वीडियो बना के। जाने से पहले आप सभी से एक बार और रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल में नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएगा। साथ ही मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि अगर उनको नींद ना आने की समस्या है तो उस नींद ना आने की समस्या से ये उबर सके। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का भी ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और योगाभ्यास करते रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ। नमस्ते।